लाडली बहनों को लेकर क्यों भविष्यवाणी करने लगी दिग्विजय सिंह, क्या होने वाली है छटनी। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप NTV7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंबर मानी जाने वाली लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष समय समय पर सवाल खड़े करती रहती है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार से योजना के पैसे बढ़ाने की मांग करता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी ने लाडली बहना योजना को लेकर सुगबुगाहट तेज कर दी है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब लाडली बहनाओं की संख्या में कमी आएगी। इसको लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा अब केंद्र और राज्य में सत्ता में आ गई, अगले 4-5 साल कोई चुनाव नहीं है, गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को लूटना शुरू है और धीरे धीरे लाडली बहना को 1250 रुपए मिलने वालों की संख्या में भी कमी आएगी। इसकी शुरुआत बिजली के बिलों में मिलने वाली सब्सिडी समाप्त हो रही है। भाजपा राज में गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। चुनाव खत्म, महंगाई बढ़ी, हमारी बहनों को समझ में आना चाहिए। आपको बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार करीब 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना के जरिए 1250 रुपए की राशि देती है, लेकिन दिग्विजय सिंह को अब यह योजना को आगे चलने को लेकर संदेह हो रहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि धीरे धीरे लाडली बहना योजना में जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनकी संख्या घट जाएगी और धीरे धीरे सरकार इस योजना में राशि को कम कर सकती है। दरअसल यह पहली बार नहीं कि दिग्विजय सिंह ने लाडली बहना योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल अगर सरकार की माने तो इस योजना में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। सरकार के अनुसार आने वाले समय में फंड के अनुसार राशि बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस समय समय पर प्रदेश सरकार से इस योजना को लेकर सवाल उठाती रहती है। आपको बता दें, हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर लाडली बहना योजना की राशि 3,000 रुपए करने की मांग की थी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ NTV7 न्यूज।